एक साल पहले रिचा वाज आल्सो हियर रिचा या शी वाज देयर देन द नेक्स्ट ईयर वाज फारा एंड दिस ईयर आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 इयर्स फॉर दिस मोमेंट विद द ब्यूटीफुल नेहा मेरी पीएनजी के साथ एसोसिएशन 10 साल से ज्यादा हो चुकी है सो या इट्स माय लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रिलेशनशिप इन माय लाइफ अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर दैट्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल जब घरों में इतनी स्मेल आती है हम लोगों को एहसास नहीं होता या तो हम बाहर जाके अंदर आए और यू नो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ओडर स्मेल एक चीज़ होती है और ओडर मिटाने के लिए यू नो आई कीप सेइंग कि हम कई लोगों को होता है कि दे जस्ट हैव नोज ब्लाइंडनेस उनको समझ में ही नहीं आता कि इतनी स्मेल होती है चाहे वो मसालों की स्मेल हो चाहे वो सीलन की स्मेल हो चाहे वो यू नो इट्स द मॉइस्चर इट्स द रेन्स ऑल ऑफ दैट यू नो कम्बाइंड बहुत अलग अलग किस्म की स्मेल्स होती हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट क्योंकि हमारे 4 महीने तो हमारे बॉम्बे में बारिशें होती हैं हम खिड़कियाँ नहीं खोल सकते चाहे वो घर की हों चाहे वो गाड़ियों की हों सो आई थिंक ऑल इन ऑल यू नीड दैट वन सोल्यूशन और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ जब स्मेल आती है तो आई जस्ट कांट बेयर इट इट गो स्ट्रेट टू माई हेड एंड आई एम सो ग्लैड दैट एम्बिप्योर इज द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस और मैं ये बहुत इंसिस्ट करके कहना चाहूँगी कि आई हैव नॉट बीन यूजिंग एम्बिप्योर जस्ट बिकॉज आई बीन टोल्ड राइट नाउ आई बीन यूजिंग इट फॉर मेनी मेनी ईयर्स एवर सिंस द टाइम आई बीन इंट्रोड्यूस टू इट देयर हैज बीन नो अदर सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट माई न्यू एंड इम्प्रूव थिंग इज दैट दिस ईयर वी हैव नेहा बाय माई साइड इट फील्स वेरी न्यू एंड इम्प्रूव फॉर मी इट जेन्युइनली डज नेहा आई क्रैक जोक्स एंड ऑल आई होप यू डोंट गेट इट मॉम्स आई नो यू लव मी And I, but I love her dearly and I really feel it's so nice to spend some time with Neha. We spend time at parties. She comes over every single year for my birthday. She's one of the few people who's part of... I feel very and close And I know the Parsi food that he was talking about. So basically... I don't care about how it smells. It tastes delicious. 3 days in the gym. Thrice every day after. Hai na? Yeah. But new and improved, I just feel that I personally have felt a lot of a fresh energy in me. And this has got nothing to do with MBPO, but we have talked about new and improved, so we are trying to associate. Everything is a step towards women empowerment, whether it's triple talak or using MBPO. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.